কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাম পর লে থসরে টেনশন আরে কাম পর লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে ঘর পে ধমাল ये कैसे होगा सर फ्रेंड्स वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। टॉप एमसीक्यू सीरीज जो हमारी शुरुआत हुई थी, इसमें हमने पहला क्लास जो देखा इतिहास का, उसमें इतिहास की जो बेसिक चीजें हैं उसे हमने जानने का प्रयास किया। इसके अलावा हम जो इतिहास के क्रम में आगे पढ़ेंगे, जैसे कि भाई इतिहास इतना लंबा जो कालखंड है उसे हमने जो छोटे छोटे पार्ट में बांटा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले हमको जो जानना होता है वह जानना होता है प्राग इतिहास के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री का जो काल था, मैंने बोला था ये पत्थरों का पूरा काल है। आप पत्थर ही पत्थर हर चीज में, इंसान जो भी घर भी बनाएगा तो पत्थर के बनाएगा, जानवरों का शिकार करेगा पत्थर से करेगा, आग भी जलाएगा तो एक चकमक पत्थर हुआ करता था, वह उससे उसने क्या किया आग जलाई। तो यहां पर प्राग इतिहास को मैंने बोला था कि ये पत्थरों का युग है, कोई भी मेटल यहां पर नहीं मिला था। फिर अगला जो था आद्य इतिहास, जिसे मैंने बोला था भाई उसका टाइम पीरियड भी मैंने एक लगभग में लिखा था, जो मैं बोल रहा हूँ लगभग मतलब कि भाई कुछ कुछ पुस्तकों में अलग अलग मिलता है, इसलिए मैंने अप्रोक्स में बताया था। ठीक है, प्राग इतिहास का टाइमलाइन मैंने बताया था 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व, और 3,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड मैंने लिखा था वो ताम्र के हिसाब से है, ताम्र और कांसे के हिसाब से, कांस्य युगीन जो काल चल रहा था उसके हिसाब से लिखा है मैंने, क्लियर। और ऐतिहासिक काल को जो मैंने कहा कि लोहे का लौह युग, लौह युग की जो शुरुआत हुई 1,000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज हो जाती है, तो वहां से 1,000 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक हम जो देखते हैं वह क्या है, हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल, क्लियर। तो वो जो विभाजन था ना, वो विभाजन आपका जो किया गया है वो आपके जो अवशेष मिले या बोलना चाहिए थॉमसन ने जो कोपनहेगन में किया विभाजन, उसी आधार पर मैंने वहां पर बताया था कि भाई सबसे पहले पाषाण युग कब तक चला, पाषाण के बाद जब आपके ताम्र और कांसे का यूज हुआ तब की बात मैंने की, कुछ टाइम पीरियड की बात की, और अब जो है जब लोहे की खोज हो जाती तो उसको मैंने हिस्टोरिक एज के रूप में बताया था, एक ऐतिहासिक काल के रूप। तो ये सब विभाजन के बारे में पिछले क्लास में हमने जाना, पिछले क्लास में हमने जो देखा कि भाई हड़प्पा जो सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता को मैंने आद्य इतिहास में रखा था, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेस थे उसके बारे में भी डिस्कशन हमने किया, क्योंकि भाई टॉप एमसीक्यू सीरीज में मैंने बताया है कि जो हम प्रश्न डिस्कस करेंगे प्रश्नों के साथ साथ एक्सप्लेनेशन और कुछ अन्य जानकारियां भी आपको दी जाएंगी ताकि आपका टॉपिक भी कवर होता रहे, और कभी आप पढ़ें आप उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को तो विषय आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो अभी तक हमने जो चीजों को देख लिया है उसको मैं एक बार आपको यहां पर बता देता हूं। अभी तक जैसे हमारा विभाजन रहा उसमें हमने प्राग इतिहास के बारे में जाना है, प्राग इतिहास के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में जान लिया, उसके बाद हमने जान लिया आद्य इतिहास के बारे में जिसको हमने हड़प्पा का नाम दिया, आद्य इतिहास के बारे में जान लिया। आद्य इतिहास के बाद अगला जो है हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल इसकी शुरुआत आज की जानी है, ऐतिहासिक काल की शुरुआत की जानी है। यहां पर मैंने बताया था प्राग इतिहास में प्री हिस्ट्री के टाइम में आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिले, रिटर्न एविडेंस नहीं मिले, ना आपको कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे आप उनके बारे में बता सके, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बता सके, ऐसा कुछ नहीं मिला। आपको मिला तो मिला क्या, आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, पत्थर वत्थर मिले हैं, कुछ औजार मिल गए, आदि मानव के रहने वाली गुफाएं मिल गई, शैल चित्र मिल गए, यही सब आपको मिले थे। ठीक, तो वो पहला था आपका। आद्य इतिहास का समय आया, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जान गया था इंसान, बट हम लोग नहीं लिख पढ़ पाए उसको या समझ नहीं पाए, इसलिए मैंने बोला कि उसे हमने क्या कर दिया, आद्य इतिहास में रख दिया।
और ऐतिहासिक काल के दौर को मैंने वहां पर लेकर आया जब मैंने बोला कि भाई इस दौर में आपको रिटर्न एविडेंस लिखित साक्ष्य प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, क्लियर। और इसी ऐतिहासिक काल की शुरुआत आज होनी है जिसको आपने टॉपिक के रूप में देखा, और आज का टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, वैदिक काल से। तो ऐतिहासिक काल में जो सबसे पहला टॉपिक आपको मिल रहा है वह क्या है, वैदिक काल। इस वैदिक काल की अगर मैं चर्चा करूं तो यह वो समय है जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ, और आर्यों के आगमन के पश्चात यहां पर उन्होंने चार वेदों की रचना की, और उन्हीं चार वेदों की रचना के आधार पर हमने ये नाम रखा वैदिक काल। क्लियर है चीजें, ठीक। तो वैदिक काल का जो समय है उसे हम जानते हैं, और वैदिक काल में कौन कौन से वैदिक साहित्य, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वैदिक काल में, वैदिक साहित्य जिनकी रचनाएं हुई उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वैदिक काल को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां मैं वैदिक काल की अगर बात कर रहा हूं, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड लिया जाता है वह लिया जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक काल कहा गया है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में प्रश्न था, पिछले बार कुछ क्वेश्चंस आए थे, राइज हुए थे, उस क्वेश्चंस में था सर कि ये बीसी होता क्या है, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इतिहास में जो आप काल समय या समय क्रम देखते हैं या घटनाक्रम जो देखते हैं, ईसा पूर्व और ईस्वी में देखते हैं, तो ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है इसे थोड़ा मैं आपको क्लियर करूं। जैसे अगर हम कोई नंबर लाइन, ठीक है, एक नंबर लाइन हम जब बचपन में मैथ्स पढ़ा करते थे उसमें एक नंबर लाइन खींचते हैं, तो नंबर लाइन में जैसे कि हमारा ये पॉइंट होता है जीरो, एक जीरो वाला पॉइंट होता है, जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं 1, 2, 3, और वैसे ही इधर से जो नंबर अगर मान लो लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, -3, -2, -1, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये आपको बढ़ते क्रम में मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको, घटते क्रम में। तो समझने की बात यह है कि कहा जाता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो हम लोग वर्तमान में कैलेंडर यूज करते हैं, एक जनवरी को जो न्यू ईयर मनाते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो जीरो को माना गया ईसा मसीह का जन्म जीरो मान लिया गया, और जीरो के पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को कहा गया ईसा पूर्व या बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद वाले समय को कहा गया ईस्वी, या इसे हम लिखते हैं इंग्लिश में एनो डोमिनो या एडी लिखते हैं, एनो डोमिनो या एडी, या कई बार आप कॉमन एरा के रूप में भी देखते हैं, कई बार ऐसा भी लिखा आपको मिलता है कॉमन एरा या तो बिफोर कॉमन एरा, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये बेसिक सी चीज है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि भाई जब तक मैं ईसा पूर्व में हूं यानी प्राचीन भारत में हूं, ठीक है, प्राचीन भारत या वैदिक काल की बात की, या मैंने जो अभी हड़प्पा और प्राचीन इतिहास की बात की, सब बातें जो है ईसा पूर्व की। तो यहां पर जो ईसा पूर्व की चर्चा हो रही है, ईसा पूर्व की चर्चा हो रही है, वहां जो नंबर आपको देखने मिलेंगे वह नंबर जो है आपको उल्टे चलते हुए उल्टे क्रम में दिखेंगे। जैसे अगर मैंने मान लीजिए मैंने लिखा कि भाई ये 500 है, तो 500 के बाद अगला जो ईसा पूर्व के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 400 ईसा पूर्व, और 400 के बाद ईसा पूर्व में क्या होता है 300 ईसा पूर्व आपको देखने मिलेगा, यानी उल्टे क्रम में। और यही ईस्वी में हम चले जाएं, ईस्वी में तो ये कैसा मिलेगा, 300 ईस्वी मिलेगा, 300 के बाद आपको 400 ईस्वी मिलेगा, और 400 के बाद 500 ईस्वी देखने को मिलेगा, तो एक बढ़ते क्रम में ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये चीज को, बेसिक चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई भाई। चलिए, तो ये मैंने बताया कि भाई ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। अब थोड़ा हम लोग वैदिक काल, जो चर्चा हमारी चल रही थी उस वैदिक काल में आ जाते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल इसका टाइम पीरियड रहेगा
1500 बीसी से 600 बीसी तक, यानी महाजनपद काल की जब शुरुआत होगी उस समय तक आपका ही चलेगा। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, और ये दो भागों में बांटने के बाद होगा आपका ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये आपका ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक एज, ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड, और ये कहलाएगा आपका पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड कहलाएगा। क्लियर? ऋग्वेदिक पीरियड, देन आपका आफ्टर पोस्ट वैदिक पीरियड। क्लियर है? ये दो कालखंड में बांटा गया। वही आप जो देख रहे हैं 1500 बीसी से 600 बीसी, इसे भी अब टाइम को बांटा जाएगा। तो आपका जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय जो देखने मिलेगा वह आपका होगा ऋग्वेदिक पीरियड का। इसके अलावा पोस्ट वैदिक पीरियड में मैं जब जाऊं, तो यहां पर आपका 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय जो है आपका क्या होगा, उत्तर वैदिक काल का होगा। इसी में हम अगर बढ़े तो भाई ये विभाजन ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। एक बेसिक सा अंतर आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने हमेशा बोलते आए कि भाई जो विभाजन हुआ है कालों का, यानी इतिहास का जो विभाजन हुआ है, वो आपके मेटल्स के आधार पर भी हुआ है। पत्थर, फिर कांसे, फिर आपका लोहा। तो लोहा जो है जब उसकी खोज हुई तो लोहे की खोज के आधार पर ही ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन हुआ। अब बोलेंगे सर हम लोग तो वेदों के आधार पर जानते हैं, ठीक है, वेदों के आधार पर भी तो है, वेदों के आधार पर भी है, उसे भी जान लीजिए। पहले इस चीज को समझिए कि ये लोहे के आधार पर कैसे है। कहा जाता है कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई, आयरन की खोज, लोहे की खोज हो गई, और ये लोहे की खोज हुई थी अतरंजी खेड़ा में। प्रीवियस क्लास में हमने देखा अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में लोहे की खोज हो गई, और लोहे की खोज होने से वैदिक काल के जो मनुष्य थे या जो आर्य थे उनके समाज में, उनकी संस्कृति में बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है, राजनीति की भी शुरुआत शुरू हो गई। तो ये सब जो प्रभाव हुए, अंतर जो आए, उसी के कारण जो बदलाव भी था, उसी के कारण हमने ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल को इस प्रकार से बांट दिया। इसके अलावा जैसे हम जनरली जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में ही ऋग वेद की रचना हुई। किसकी रचना हुई भाई? ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। इसके अलावा अन्य जो तीन वेद आपको देखने मिलते हैं वह उनका निर्माण पोस्ट वैदिक पीरियड में हुआ। तो अन्य जो है आपके पास उसमें है सामवेद, अगला है यजुर्वेद, और देन है आपका अथर्ववेद। क्लियर है? ठीक, ये तीन वेदों का निर्माण बाद में हुआ भाई, पोस्ट वैदिक पीरियड में, और पहले जो वेद का निर्माण हुआ था वह था ऋग्वेद। क्लियर है? ठीक, ये थे आपके चार वेद जिनके निर्माण हुए, और इनका विभाजन किस प्रकार से है और टाइम को कैसे बांटा गया इसके बारे में। चलिए ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो तरीका है कि भाई एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन शुरुआत कर दिए, वैदिक काल क्या होने वाला है, इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है, उसे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग इन चीजों को समझते जाएंगे, वैदिक साहित्य के बारे में भी जानते जाएंगे, उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में, सब चीजों को समझेंगे, किसी चीज को हम नहीं छोड़ेंगे। उसी से ही है कि भाई आप प्रश्नों के साथ जो है आप पूरे टॉपिक को कवर कर जाए, ये हमारी कोशिश है, यही टॉप एमसीक्यू सीरीज का मकसद भी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, जो भी आपके प्रश्न है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। क्लियर? हर एक बच्चे के प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, समय निकालकर हर एक प्रश्न को देखा जाएगा, पूछा भी जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।
पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग देख लेते हैं क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ, ठीक है, आर्य यानी कि यही तो है जो आए भारत में सप्तसैंधव प्रदेश में और इन्होंने ही क्या किया, वेदों का निर्माण किया। तो आर्य से तो कहानी शुरू हुई है। चलो देख लेते हैं, पहले यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, किसी धर्म विशेष में विश्वास रखने वाले या एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का अर्थ ही मैक्स मुलर ने कहा था उस समय भाई, आर्य मतलब क्या होते हैं, श्रेष्ठ। तो यहां पर आर्य का जो मतलब होता है श्रेष्ठ यानी कि क्या, उत्तम एक व्यक्ति, श्रेष्ठ यानी क्या, उत्तम व्यक्ति, अ गुड पर्सन। ठीक, चलिए अब हम समझना शुरू करते हैं कि भाई आर्य कब आए और क्या इनके पीछे की कहानी आर्यों के आगमन से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। तो आर्यों के आगमन से संबंधित अलग अलग तथ्य निकल कर आते हैं। आर्यों के आगमन, ओरिजिन ऑफ आर्यन, कि भाई आर्य हमारे भारत में कहां से आए और कहां ये बसे। तो पहले अलग अलग तथ्यों पर विचार कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्य कहां पर। ठीक, तो यहां पर हमारे यहां अलग अलग जो इतिहास पर जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे उन्होंने अपनी कुछ जानकारियां दी, जिसमें सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था? विलियम जोन्स ने एक सिद्धांत दिया और बताया कि भाई जो आर्य जो आए हैं हमारे भारत में, ठीक है, भारत में जो इनका आगमन हुआ था, आर्यों का आगमन, वह यूरोप से हुआ था। ठीक है, एक यूरोपीय सिद्धांत इन्होंने दिया, यूरोपीय सिद्धांत। और ये यूरोपीय सिद्धांत देने वाले थे विलियम जोन्स। तो सबसे पहला एक सिद्धांत दिया विलियम जोन्स ने कि भाई आर्य जो आए हैं हमारे भारत में वो कहां से आए हैं, यूरोप से आए हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा एक सिद्धांत निकल कर आया कि भाई आर्य जो हैं तिब्बत के क्षेत्र से आए हैं। और तिब्बत के क्षेत्र से आने वाली बात कहने वाले थे दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत में हम देखेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे भाई, है ना, दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ है भाई, तिब्बत क्षेत्र से हुआ है। अच्छा, यहां पर देखिए क्या है, कुछ सिमिलैरिटी को देखते हुए बोल रहे हैं लोग, ऐसा ही नहीं बोले हैं, है ना, कुछ सिमिलैरिटी मिली। जैसे यूरोपीय सिद्धांत की अगर बात करें तो इनका जो सिद्धांत यूरोप वालों को निकला था, यानी यूरोपीय सिद्धांत जो विलियम जोन्स ने दिया था, उसका भी एक मीनिंग था कि भाई उनको दिखा कि भाई यूरोप में वहां वो लोग लिखते हैं मैटर और पैटर। ये मैटर और पैटर ही जो आर्यों की जो संस्कृत है उसमें मात्र और पित्र बनी हुई दिखती है, मात्र और पित्र बनी हुई दिखती है। समझ आ रहा है? यानी इसको क्या देखा उन्होंने कि यूरोप के लोग मैटर और पैटर लिख रहे हैं, तो वही तो मात्र और पित्र है किसमें, आर्यों की संस्कृत में। तो विलियम जोन्स ने बोला भाई ये लोग कहां से आए हैं, यूरोप से। वैसे दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं कि भाई आर्यों का जो स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा, ये सब चीजों को बर्ज विश्लेषण हुआ, अध्ययन हुआ, तब उनको पता चला कि भी जो उनके जो नाक है या जो उनकी चेहरे की बनावट है थोड़ी चपटी, और इस प्रकार के जो लोग हैं वो कहां मिलते हैं, तिब्बत। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती ने क्या बोल दिया कि ये लोग कहां से आए, तिब्बत के क्षेत्र से आए। ठीक, अगला है आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र। ठीक, आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली बात कही थी स्वतंत्र सेनानी जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपको पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली बात कही बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा क्यों, इस पर विचार कर लीजिए। और ये पूछेगा ना भाई एग्जाम में, ये वाला पूछेगा आपको एग्जाम में, पूछता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना ये था कि हम लोग जब वेदों को पढ़ते हैं, ऋग्वेद को पढ़ते हैं,
तो यहां पर बताया गया कि आर्य बोलते हैं, आर्य बताते हैं कि हम जो जिस प्रदेश या जिस क्षेत्र से आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं वहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। 6 महीना दिन और 6 महीना रात। तो ये 6 महीना दिन और 6 महीना रात वाली जो बात है ना, ये हमें आर्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसी कारण से बाल गंगाधर तिलक ने बोल दिया कि लोग कहां से आए हैं, आर्कटिक क्षेत्र से आए। इसके अलावा एक जो व्यक्ति हैं उन्होंने बताया कि भाई आर्य जो हैं बाहर से कहीं से नहीं आए हैं, ये सप्त सैंधव क्षेत्र के ही निवासी हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र, अभी मैं आगे सब चीजें बताऊंगा। सप्त सैंधव किसको मैं कह रहा हूं, ये 7 नदियों का क्षेत्र कौन सा है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सप्त सैंधव क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए हैं ना कोई विदेशी। और ये बात कही अविनाश चंद्र ने और संपूर्णानंद ने। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, इन दो लोगों ने कहा कि भाई ये जो है सप्त सैंधव क्षेत्र के निवासी हैं आर्य। ठीक है, और लास्ट और सर्वमान्य है ना, क्योंकि भाई अंग्रेजों की देन है कहीं ना कहीं इतिहास में, जो थोड़ा सा अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था। यानी आपने, मैंने पिछले क्लास में बताया कि भाई मैक्स मुलर या आपके जो रॉबर्ट बूटफुट है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये सब कौन है, अंग्रेजी। इन्होंने तो इतिहास में अपना दबदबा बना रखा, उसकी खोज या शुरुआत की। इसी कारण से जो हमारे भारतीय थे दयानंद सरस्वती हो या बाल गंगाधर तिलक, अविनाश चंद्र, संपूर्णानंद हो, इनकी बात को पूरा का पूरा नकार दिया गया। और जो सबसे ज्यादा बात मानी गई वह थी कि आर्य जो हैं सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से आए हैं, इस बात को स्वीकार किया गया। और इस बात को देने वाले थे मैक्स मुलर का ही सिद्धांत सर्वमान्य किया गया कि भाई आर्यों का जो आगमन है वो कहां से, मध्य एशिया से। सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल एशिया का वही ये क्षेत्र वही है जो प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस प्रकार के देशों के आसपास आपको दिखता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, मध्य एशिया कह रहे हैं। ठीक है, तो ये संबंध है, ये जो चीजें मैंने बताई आर्यों के आगमन से संबंधित, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आर्य जो है आए हैं कहां से, मध्य एशिया से। ठीक है, क्लियर है। एक आर्य का हमने जान लिया, आर्य क्या होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं। आर्यों के आगमन से संबंधित आपको एक जानकारी भी दे दी। आगे बढ़े, चलो ठीक, एक मैप आप देख रहे हैं। ठीक है, एक मैप ये देख रहे हैं, इस मैप में आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपका सप्त सैंधव का क्षेत्र है। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं इस मैप में, यहां पर आपको जो एक मेन नदी मेन रिवर देखने मिलेगी वो है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियों को मिलाकर यहां पे लगभग आपको सात नदियों का क्षेत्र दिखेगा। 7 नदियां, 7 रिवर्स आपको दिखेंगी यहां पर है। ठीक है, और इन 7 नदियों के क्षेत्र को मिलाकर, इन 7 नदियों के क्षेत्र को मिलाकर ही कहा गया क्या, सप्त सैंधव क्षेत्र या सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक, और शुरुआत में जो आर्यों का आगमन हुआ ऋग्वैदिक काल में, जब आर्यों का आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व में, तो आर्य जो है इसी क्षेत्र में, इसी 7 नदियों के क्षेत्र में शुरुआती दौर में आकर बसे थे। इनका रहना इसी जगह हुआ था। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। वर्ण इस शब्द को समझते चलेंगे और पूरी चीजों को जानेंगे। ठीक, जैसे मैंने बताया वर्ण कहां से आया, क्या चीजें हुई, सब चीजों को हम जानते हुए आगे बढ़े। क्लियर, चलो। तो पहले तो हम इसका आंसर जान लें कि वैदिक ग्रंथ वर्ण शब्द जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिला। कहां देखने मिला, ऋग्वेद में देखने को मिला। ठीक, चलिए जैसे कि मैंने ऋग्वेद में अगर वर्ण व्यवस्था की बात की है तो सबसे पहले हम जान ले ऋग्वेद के बारे में।
वेद के बारे में कि ऋग्वेद है क्या। ठीक है, तो ऋग्वेद बना है सबसे आपका प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना या ओल्डेस्ट वेद कहा जाता है ऋग्वेद को, और पहला वेद भी क्या था आपका, ऋग्वेद ही था। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट वेद, प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक, ऋग्वेद में अब अगर हम देखें तो जैसे आप कोई भी पुस्तक उठा लें तो पुस्तक में आप देखते हैं कि अध्याय लिखे होते हैं, चैप्टर्स लिखे होते हैं, वैसे ही ऋग्वेद को भी अलग अलग अध्यायों में बांटा गया, और उस समय अध्याय ना कहकर कहा गया मंडल। क्या कहा गया, मंडल। तो ऋग्वेद जो है हमें 10 मंडल में विभाजित दिखता है, कितने मंडल में, 10 मंडल में विभाजित दिखता है, यानी 10 अध्याय यहां पर है। इसके अलावा इसमें 1028 सूक्तियां हमें देखने को मिलती है, 1028 सूक्तियां, और बहुत सारे श्लोक भी हमें मिलते हैं, जिसकी गणना लगभग में 10,580 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया कि भाई ये श्लोक जो मैं 10,580 बता रहा हूं, आप कुछ बच्चे बताएंगे सर मैंने पढ़ा था 10,552, मैंने कुछ बच्चे बताएंगे सर मैंने 10,550 पढ़ा, तो ये प्राचीन समय ईसा पूर्व की जो चीजें हैं वहां पर जो श्लोकों की गणनाएं की गई वो बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग की गई। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में जो गणनाएं हैं आपको व्यवस्थित रूप से नहीं दिखेंगी, तो यहां पर जो 10,580 बताया गया ये थोड़ा सा आपको परफेक्ट डेटा के रूप में आप ले सकते हैं, और 2,550 भी जो बता रहे हैं वह गलत नहीं। ठीक है, क्लियर है, तो दोनों चीजें आप ले सकते हैं, 10,550 भी ले सकते हैं, 10,580 भी ले सकते हैं, डन। तो 10,580 श्लोक है, ये वेरी करेगा, बट मंडल 10 है ये आपका परफेक्ट बात है, मंडल आपको 10 ही मिलेगी। ठीक, इसके अलावा 1028 सूक्तियां आपको मिलेंगी, क्लियर है। तो ये क्या है, ऋग्वेद का विभाजन। ठीक, ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद को ईरान, क्योंकि जब हमारे हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो ईरान के साथ व्यापार होता था, यानी हमारे हड़प्पा के साथ साथ ईरान में भी सभ्यताएं चल रही, तो कहा जाता है ईरान में ग्रंथ हुआ जिंदावस्था, जिंदावस्था उस ईरानी ग्रंथ जिंदावस्था से भी इसकी तुलना की जाती है, समझ रहे बातों को भाई, जिंदावस्था से भी हमारे ऋग्वेद की तुलना की जाती है, कि जैसा ईरान में जिंदावस्था है वैसे ही भारत में ऋग्वेद है। ठीक है, तो ईरानी ग्रंथ कई बार आपको देखने मिलेगा, एक ईरानी ग्रंथ जिंदावस्था, जिंदावस्था से भी इसकी तुलना की जाती है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगर मैं मंडल को देखूं, मंडल को इन 10 मंडलों की अगर थोड़ी चर्चा हो जाए तो 10 मंडल में दूसरे से लेकर सातवां जो मंडल है यह सबसे पुराना है, दूसरे से लेकर सातवां जो मंडल है सबसे पुराना है, और नवीनतम मंडल यानी कि जो बाद में जोड़े गए वो पहला और दसवां मंडल है, पहला और दसवां मंडल जिसे हमने बाद में जोड़ा, और इसे हम नवीनतम मंडल कहते हैं, नवीनतम यानी न्यूएस्ट, नवीनतम, क्लियर है। नवीनतम मंडल में आपको पहला और दसवां मिलेगा, दूसरे सातवां क्या है, पुराना मंडल। ठीक, इन मंडलों में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, अब पूरे ऋग्वेद को तो हम पढ़ नहीं सकते, हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों पर हम लोग चर्चाएं करते बढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहां पर जब हम लोग तीसरे मंडल में आते हैं, तीसरे मंडल में, तो इस तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है,
जो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सूर्य देवता को समर्पित है, और लिखने वाले थे उनका नाम भी यहां पर हमें पता चलता है, जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र तो यहां तीसरे मंडल से हमें क्या मिला, गायत्री मंत्र मिला। जा आप गायत्री मंदिर या अन्य जगह पर जाते हैं तो आप इस मंत्र के उच्चारण को पढ़ते हैं, ठीक। मंत्र क्या है साथ में बोलेंगे, प्रयास करेंगे। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है, ठीक, जो आपके ध्यान को केंद्रित करता है। यानी आप अगर पढ़ने से पहले कोई भी चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो या तो ओम का उच्चारण कर लीजिए या इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार पढ़ लीजिए, ठीक, या तो ओम का उच्चारण और बेस्ट है, जो भी अगर करना चाहें पढ़ने से पहले। कभी भी क्या है, हम पढ़ते तो हैं बट आजकल जो मोबाइल और ये सब चीजें जो आपके हाथों में आ गई, थोड़ा देर हुआ इंस्टा का रील्स चला लिए, थोड़ा देर हुआ दूसरा रील्स चला लिए, है ना। आजकल तो नए नए रील्स है, कहीं कच्चा बादाम चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है ना भाई, कैसे कर लोगे, ठीक। तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहना जरूरी है अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो, और लक्ष्य कहीं अगर इंस्टाग्राम में निर्धारित है या कहीं फेसबुक में निर्धारित है तो आप वहीं चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि CGPSC को मैं क्रैक करूं, ठीक, तो उस प्रकार से ही आपको अपना एम बनाना हो, और एम ऐसे ही क्लियर नहीं होता, बहुत सारी चीजों का त्याग करना होता, ठीक है। क्योंकि भाई आप जो जीवन अभी जी रहे, भले संघर्षपूर्ण है, जीवन संघर्षपूर्ण है, परंतु इसी संघर्ष में ही तो मजा है, इसी संघर्ष में ही मजा है। जिसने इन संघर्ष को संघर्ष ना समझकर ये समझा कि भाई मैं जो चीजें कर रहा हूं उसमें ही आनंद मुझे मिल रहा है, तो आप अपने इस संघर्ष को भी हंसते खेलते गुजार लेंगे और आप जिस पद में जाना चाहते हैं वहां भी आसानी से पहुंच जाए, ठीक है, क्लियर है, ठीक। इसीलिए जो चीजें जो दी गई है आपको, है ना, ये जो आपके वेदों में मंत्र हैं, ये सब चीजें जो दी गई हैं, ये उस समय की गुरुकुल परंपरा में ये सब चीजों को पढ़ाया जाता था, और उस समय गुरुकुल परंपरा में शिक्षक और छात्रों का भी एक बहुत अच्छा मेल देखने को मिलता था, ठीक है। चलिए, सब चर्चाएं बीच बीच में करते रहेंगे, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरे मंडल में हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र ने लिखा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हम तीसरे मंडल के अलावा, अगला जो इंपॉर्टेंट मंडल है वह है सातवां मंडल। सातवें मंडल में जब हम जाते हैं तो एक युद्ध, एक बैटल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको हम कहते हैं दास राज युद्ध। इसका अर्थ है दस राजाओं की लड़ाई। अब ये दस राजाओं की लड़ाई, ये सब चीजें हम लोग क्यों पढ़, इस दस राजाओं की लड़ाई में आपको एक राजा मिलेगा जिसका नाम था सुदास। यह सुदास नाम का राजा जो है भरत कबीले का एक राजा हुआ करता, जो अपने समय का बहुत ही सूरवीर बलवान राजा हुआ करता। इसकी लड़ाई अपने अगेंस्ट में करीबन 10 राजाओं से हुई थी जो अलग अलग कबीलों से आते थे। किसकी लड़ाई, राजा सुदास की लड़ाई होती है 10 राजाओं से, और ये 10 राजाओं के साथ जो इनका युद्ध होता है वह युद्ध जो है आपको रावी नदी के तट पर देखने मिलेगा, रावी नदी के तट, क्लियर, ठीक। तो ये 10 राजाओं का जो युद्ध है उसमें एक तरफ आपको राजा सुदास देखने मिलेंगे, और एक तरफ आपको देखने मिले 10 राजा जो अलग अलग कबीलों से थे। इन 10 राजाओं को पराजित किया राजा सुदास ने और इनकी विजय। इसके अलावा इनका जो युद्ध हुआ, इसे भी आपको एग्जाम में पूछता है, इनका जो युद्ध है रावी नदी के तट पर हुआ, जो वैदिक काल में रावी नदी जो है परुष्णी के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में आपको जो नाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, परुष्णी नदी। तो परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर जो लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, वो कौन सा था आपका,
दासराज युद्ध, इसमें राजा सुदास की युद्ध हुई और यहां पर दस राजा हार गए। क्लियर है? ये राजा सुदास जो है, याद रखिएगा, ये भरत कबीले से बिलोंग करते, भरत कबीले से, और कहा जाता है इसी भरत से हमारे भारत का नाम पड़ा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं भारत के नाम पड़ने के, बट एक कारण यह भी मिलता है कि ये जो भरत कबीला है इस भरत के नाम से ही क्या पड़ा, भारत का नाम पड़ा। तो सातवें मंडल में क्या मिला आपको, दास राज्य युद्ध मिला। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चले हम लोग। अगला जो मंडल है वह है नौवां मंडल, नौवां मंडल। ठीक, ये नौवां मंडल में हमें सोम देवता की जानकारी मिलती है। सोम देवता, ये नौवां मंडल जो है सोम देवता को अर्पित है। ठीक, क्लियर है? ये सोम रस नहीं है, ठीक है, ये सोम देवता है। क्लियर है? और सोम देवता सोम रस से ही बने हैं, बट ये वो सोम रस नहीं है आप जिसको समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सोम रस उस समय के लिए जो होता था, एक पहाड़ पर मिलने वाला एक वृक्ष हुआ करता था, और उस वृक्ष में कुछ ऐसे रस निकलते थे जिस रस को पीने से बहुत से लोगों के जो व्याधि है, बीमारियां हैं, उनका इलाज हो जाया करता था। क्लियर? उसे ही सोम रस कहा जाता था, और उसी के देवता को सोम देवता करके लोग उस समय पूजा करते। क्लियर? ठीक, अगला है हमारे पास दसवां मंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दसवां मंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दसवां मंडल। दसवें मंडल में हमें पुरुष सुक्त में, पुरुष सुक्त में शूद्र शब्द की जानकारी मिलती है। दसवें मंडल में हमें पुरुषोक्त में शूद्र शब्द की जानकारी मिलती है, और शूद्र शब्द जैसे ही आया तो इसी दसवें मंडल में हमें जानकारी मिली वर्ण व्यवस्था की, जो हमारा प्रश्न ही था कि वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें कहां मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के दसवें मंडल में मिलती है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। अब आप बोलेंगे सर ये वर्ण व्यवस्था क्या है, और शूद्र को अगर देखते ही आपके मन में आ जा रहा है कि भाई ये तो वही है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक, तो यहां पर चीजों को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। मैं यहां पर कह रहा हूं वर्ण व्यवस्था, यहां पर जो मैं बातें कर रहा हूं वर्ण व्यवस्था के बारे में कह रहा हूं, और वर्ण व्यवस्था ये जाति व्यवस्था नहीं है। सबसे पहला चीज आपको जानना है, ऋग्वेद काल में या ऋग्वेदिक काल में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं बनी। ये जाति व्यवस्था आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में आपको देखने मिलेगा। तो ये एक्चुअल में था क्या, तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आपको जैसे थोड़ी जानकारी है कि भाई ब्रह्मा जो एक विराट पुरुष हुए, उनके मस्तिष्क से जो निकले उन्हें ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण। ब्राह्मण जो भुजाओं से निकले वो हुए क्षत्रिय, क्षत्रिय। क्षत्रिय के अलावा अगले जो मिले आपको वैश्य, जो जांघों से निकले, और जो पैरों से निकले उन्हें शूद्र कहा गया। क्लियर है? इस प्रकार की चार वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। वैश्य यानी कि व्यापारी, क्षत्रिय तो आप जानते होंगे, शूद्र जो छोटे मोटे कार्य किए करते थे पहले के समय। क्लियर है? अब यहां पर जो वर्ण व्यवस्था जो बनी थी उस समय, इसमें जो निर्धारण है कि ब्राह्मण कौन होगा, क्षत्रिय कौन होगा, वैश्य कौन होगा, शूद्र कौन होगा, या निर्धारण उनके कर्म के आधार पर किया जाता था। ये लाइन इंपॉर्टेंट, कर्म क्या है, ठीक है, ना कि जातिगत, ना कि जन्म से। सिंपल लाइन में बोलू, जन्म से, कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बने ये जरूरी नहीं था उस समय। कर्म के आधार पर देखा गया कि भाई होता यह भी था कि एक परिवार में अगर बेटा ब्राह्मण है और माता क्या है, अगर व्यापारी है, ठीक है, पिता अगर कुछ और अन्य किसानी का कार्य कर रहे हैं, ठीक, तो उनके कार्यों के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्ण में रख दिया जाता। या ऐसा भी समझे कि मान लीजिए आपका जन्म शूद्र के पुत्र के रूप में हुआ, परंतु आपने बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा ले ली और आप पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिए, शिक्षक बन गए,
तो आप इस शूद्र की कैटेगरी से निकलकर कहां जा सकते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण, और आप ब्राह्मण कह रहे हैं, शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी बन सकता है, और ब्राह्मण का पुत्र भी अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक किसमें चला जाएगा? शूद्र में चला जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या है आपका? कर्म आधारित था, कर्म आधारित, इसीलिए यहां पर कोई आपका जातिगत व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये बातें हो गई किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में आपको इतने जो जितने भी पॉइंट मैंने बताए, इतने बिंदुओं को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहां से आपको एक एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, मंडल से संबंधित, इसके अलावा दास राग युद्ध संबंधित, और ये दसवां मंडल जिसमें शूद्र शब्द है, आपको अगला प्रश्न जो पूछेगा शूद्र के बारे में पूछ सकता है, तो शूद्र के बारे में भी जानकारी रखिएगा। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में यहां एक इमेज के रूप में भी दिखाया गया है। क्लियर है? ठीक, चलिए, तो फिर से हमें एक क्वेश्चन दिखा जिसमें आपको पूछा जा रहा है भाई दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी आपको पूछ रहे कि भाई इसमें कौन कौन सा मेल आप कर सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, एक एक लाइन में चीजें दी गई बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप में, इतना अगर आप जान जाते हैं तो आपको चारों वेदों में क्या क्या दिए गए हैं ये आप जान जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहूं, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद को देखें, यजुर्वेद को देखें, सामवेद को देखें, अथर्ववेद को देखें। ठीक, सबसे पहला जो ऑप्शन कभी भी मान लो जिनको पता भी नहीं है वो आसानी से बता सकते हैं, संगीत वाले, संगीत और संगीत में जो स्रोत दिए गए हैं वो आपको सामवेद में मिल जाते हैं, स से सामवेद, स से संगीत, सबसे सिंपल वाला ये, इसको आप पहले टिक कर लीजिए। ठीक, उसके बाद यजुर्वेद को देखिए, यजुर्वेद में ही आपको यहां पर कर्म कांडों के बारे में यज्ञ के बारे में जानकारी दी जाती है, और अथर्ववेद में देखें तो आपको तंत्र मंत्र वशीकरण, ठीक है, अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र वशीकरण, क्लियर है। अब मान लो कि बाद आपने दो ऑप्शन टिक कर लिए, ठीक है, मैं आपको पहले ऑप्शन क्लिक करना बता दे रहा हूं फिर एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए सी का वन, सी का ऑप्शन वन देख लीजिए, सी का ऑप्शन वन और डी का ऑप्शन थ्री, सी का ऑप्शन वन और डी का ऑप्शन थ्री। ठीक, तो यहां पर देखिए ये हो गया आपका वन और ये थ्री, तो ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं सर ए का फोर हो जाएगा और बी का टू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे पहला प्रयास क्या करना है, आप एक दो ऑप्शन देख लीजिए जो आपको एकदम परफेक्ट है, एक दो ऑप्शन अगर क्लियर हो गए ना तो आप आसानी से यहां पर अन्य जो जोड़े हैं उसे आप बना सकते, और वो क्लियर नहीं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अच्छी बात है अगर आपको चारों आते हैं। ठीक, तो यहां पर हमें मिला ऋग्वेद से हमें जो जानकारी मिलती है स्रोतों और प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है, इसके अलावा यजुर्वेद में जैसे मैंने बताया यज्ञ कर्मकांड की जानकारी आपको यहां पर मिलेगी, सामवेद में आपको संगीत, स से सामवेद, स से संगीत की जानकारी मिल जाएगी, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक, चलिए, अब जो है ये जो चार वेद है, चार वेद से संबंधित इनके कुछ उपवेद की रचना हुई थी, और इसके अलावा इन चार वेदों के हमें ब्राह्मण ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है वेदों की क्लिष्ट भाषाओं को सरलतम रूप में लिखा गया, वही क्या था ब्राह्मण ग्रंथ, सरलतम रूप में बोलने का मतलब वेद क्योंकि प्राचीन समय में जब लिखे गए तो बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी, संस्कृत भाषा उस समय आप वर्तमान में पढ़ ही नहीं सकते थे, लिखे ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत में ही, बट आपको थोड़ा समझना जरूरी था सरल रूप में, वरना उस प्राचीन वेद को पढ़ना मुश्किल था, इसीलिए क्या बनाया गया ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद बनाया गया। तो मैं आपको एक छोटा एक टेबल बना के देने वाला हूं, उस टेबल को बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप याद कर लेंगे तो आपको उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ या उपवेद या उसे पढ़ने वाले पुरोहित से संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो वह क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कुछ अगर आप निमोनिक्स बनाना चाहते हैं, कुछ याद करने के ट्रिक बनाना चाहते हैं तो वो ट्रिक भी आप उसमें बना सकते हैं, कुछ मैं बता दूंगा कुछ आप बना लेंगे, दोनों ऐसा कर लिए तो चीजें आसान हो जाएंगी।
ठीक है चलो तो सबसे पहले आप लिख लेंगे वेदों के नाम। आपके पास चार वेद हैं, एक है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद है, दूसरा लिख लो आप सामवेद। लिखने का जो सीक्वेंस है बिल्कुल यही फॉलो करेंगे आप, ठीक है। सामवेद के बाद लिख लीजिए यजुर्वेद, यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद लिख लीजिए अथर्व वेद, अथर्व वेद, ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो गया आपके वेद, ये चार वेद हो गए, ठीक है, क्लियर है। वेद के बाद वेदों को जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। वेदों को पढ़ने वाले को कहा जाता है पुरोहित, पुरोहित, और पुरोहित में ऋग्वेद को जो पढ़े उन्हें हमने कहा होत्री, होत्री, क्लियर है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा, होत्री कहलाएगा। इसके अलावा जो सामवेद को पढ़ेंगे, सामवेद, उन्हें कहेंगे हम उद्गाता, उद्गाता। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा, उद्गाता, होत्री, उद्गाता, ठीक है। ये होत्री जो है ना, आप कई लोगों के सरनेम में देखेंगे अग्निहोत्री ऐसा लिखा हुआ आपको देखने मिलता है, अग्निहोत्री या कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको। तो ये होत्री लिखे हुए लोगों का मानना यह है कि उनके जो पूर्वज कभी रहे होंगे ना, उन्होंने इन वेदों को पढ़ा होगा, इसलिए सरनेम में आपको कहीं कहीं पर आपको उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास इस सरनेम में दिख भी जाता है, ठीक। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले कौन, होत्री। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाया, उद्गाता। इसके अलावा यजुर्वेद को पढ़ने वाले अधर वायु, अधर वायु। ऋग्वेद को पढ़ने वाले अधर वायु, क्लियर। ठीक, ये हो गए क्या आपके पास, होत्री, उद्गाता, अधर वायु, और लास्ट हो जाएंगे ब्रह्मा, लास्ट हो जाएंगे ब्रह्मा। इसके लिए आप ऐसा एक शॉर्टकट बना सकते हैं, एच यू ए बी, हब, होत्री, उद्गाता, अधर्व्यू, ब्रह्मा, होत्री, उद्गाता, अधर्व्यू, ब्रह्मा। इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे तो चारों चीजें याद हो जाएंगी, सीक्वेंस यही रखना वरना गड़बड़ा जाएगा। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या हुए, होत्री हुए, सामवेद को पढ़ने वाले क्या हुए, उद्गाता हुए, यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या हुए, अधर्व्यू हुए, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले क्या हुए, ब्रह्म। ठीक है यहां तक चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लिखेंगे यहां पर वह लिखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। अगला हम लोग लिख लेते हैं यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ के नाम। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे हमने बताया कि एक सरलतम रूप है, इजी वे है, ताकि आप इन वेदों को समझ सके, पढ़ सके। तो ब्राह्मण ग्रंथ में अगर हम देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको देखने मिलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहला याद रखेंगे ऐतरे, ऐतरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐतरे पूछा हुआ है, ऐतरे, ऐतरे के बाद अगला है कौशीतिकी, ऐतरे के बाद कौशीतिकी, ऐतरे के बाद कौशीतिकी, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरे और कौशीतिकी। अगला है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस और जैमिनी, पंचवीस और जैमिनी, क्लियर है। इसके बाद है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ, सतपथ और तैतरीय, सतपथ, तैतरीय, सतपथ और तैतरीय, और लास्ट अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जिसे हम कहेंगे गोपथ, क्लियर है, गोपथ।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूं, याद कर लेना, कर लेना, ठीक है। वैदिक काल में क्या है चीजें, जो वैदिक साहित्य है ना, वैदिक काल में आर्यों के आने के बाद जो वैदिक साहित्यों की रचना होगी वही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, वही तो आपको पूछता है। कैसे करोगे, याद करना पड़ेगा, याद आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप कहीं इधर से बच नहीं सकते। फैक्चुअल डेटा है, एक बार कर लीजिए, दो तीन बार रिविजन कर लीजिए, कुछ चुटकुले बना लीजिए, कुछ न्यूमोनिक्स बना लीजिए, कुछ भी करके याद कर लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसे कोडिंग बना लीजिए, ठीक, याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, ऐत्रेय कौशिकी की, सामवेद का पंचवीस जैमिनी, यजुर्वेद का शतपथ तैतरी और अथर्ववेद का हो गया गोपद, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं कि वेदों के उपवेद क्या क्या हैं, वेदों के उपवेद, ठीक है, वेदों के उपवेद। तो अगला हम देखते हैं उपवेदों के बारे में, एक ही टेबल में सब चीजों को लेकर यहां पर दिखाने का एक प्रयास किया गया है, तो आप बिल्कुल ऐसा ही याद कर लीजिए, जो जैसा लिखा हूं मैं बिल्कुल वैसा याद कर लीजिए, कुछ कुछ नोट्स, कुछ कुछ पॉइंट आप नोट करते रहिए, ठीक। तो यहां पर उपवेद के रूप में आपको देखने मिलेगा, उपवेद के रूप में सबसे पहला उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद पहला उपवेद। सामवेद के उपवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद के उपवेद के रूप में हमें देखने मिलेगा गंधर्व वेद, सामवेद के उपवेद में क्या देखने मिलेगा हमें, गंधर्व वेद, क्लियर, ठीक। गंधर्व वेद के बाद अगला हम देखते हैं धनुर वेद, धनुर वेद, क्लियर, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, और लास्ट है शिल्प वेद, शिल्प वेद, ठीक। बहुत सिंपल है, चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, साम संगीत, संगीत यानी गाना, गाना यानी ग से गंधर्व वेद, ठीक। यजुर्वेद में मैंने बताया था यज्ञ कर्म कांड पूजा पाठ, ये सब चीजें किसमें है, यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद कनेक्ट हो जाएगा किससे, धनुर्विद्या से, तो धनुर्वेद, और लास्ट वाले को लिख लीजिए शिल्प वेद, एक दो याद कर लीजिए, दो कुछ के लिए इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सामवेद का गंधर्ववेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक। चलिए, जैसे हमने लिखा वेदों के पुरोहित, वैसे ही उपवेद के भी पुरोहित होंगे, यानी इनके पढ़ने वाले कौन कौन है, इनके पढ़ने वाले कौन कौन है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो आयुर्वेद को, आयुर्वेद को पढ़ने वाले जिनका नाम है प्रजापति, प्रजापति, ये भी आपको कुछ जगह सरनेम किसी के नाम के पीछे प्रजापति लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने होत्री के बारे में बताया था, ऐसी प्रजापति भी हमें देखने को मिलता है, प्रजापति। गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद, सामवेद में है संगीत, संगीत से है गंधर्व, गंधर्व यानी गाना, और गाना गाएगा नारद, नारद नारायण नारायण, हर जगह यहां वहां घूमते हुए आपको नजर आते थे, टीवी में छोटे समय में अपन देखते थे दूरदर्शन में, तो नारद ही थे जो गीत गाते हुए यहां वहां जाते थे, ठीक है। तो गंधर्व वेद में कौन आ जाएंगे, नारद, नारद, ठीक। फिर आ जाइए यजुर्वेद में, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा आपका, धनुर्वेद, धनुष विद्या, यज्ञ हवन कर्मकांड, तो ये यज्ञ पूजा कौन करवाएगा, कोई ना कोई ऋषि, और ऋषि था विश्वामित्र, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे पुरोहित में विश्वामित्र, विश्वामित्र, डन। लास्ट आपके पास अथर्ववेद, अथर्ववेद यानी कि जादू टोना टोटका वशीकरण, नींबू मिर्ची सब यही आपको मिलेगा ना भाई, ये सब जो आप आज के टाइम में देखने मिलता है सब यही अथर्ववेद, और अथर्ववेद में जो है आपको जानकारी शिल्पवेद, उपवेद उसका हुआ शिल्पवेद, शिल्पवेद यानी शिल्प कला, निर्माण की बात हो रही है, और निर्माण का कार्य है निर्माण के देवता के रूप में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, ठीक। तो अगला मिलेगा आपको विश्वकर्मा, विश्वकर्मा पुरोहित, क्लियर है ठीक कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। ये टेबल आपको याद करना है, चार वेद दे दिए गए हैं, चार पढ़ने वाले उनके पुरोहित दिए गए हैं,
ब्राह्मण ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा उपवेद दिए गए, वेदों के उपवेद हैं, उपवेद जो है वेदों के। ऋग्वेद का उपवेद क्या है पूछेगा, सामवेद का उपवेद क्या है आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा, क्लियर। उपवेद को भी पढ़ने वाले पुरोहित के नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आपको याद करना जरूरी है, ये मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक। दो मिनट टाइम दे रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए है ना, बुरी नजर वाले, ठीक है, बुरी नजर से बचाने के लिए इस प्रकार का, ये जो नींबू मिर्ची वाला जो फॉर्मूला है ना, नींबू मिर्ची वाला फॉर्मूला, यही सब तो अथर्ववेद में दिया है, अथर्ववेद में। और ये आजकल ना, ये जो नींबू मिर्ची है ना, अभी कुछ दिन पहले मैं देखा अमेजोन में भी बिक रहा था, ठीक है। तो यानी एकदम मैंने परफेक्ट टोटका है ये, ठीक है। रोड रोड में भी आप देखते हो इधर उधर नींबू मिर्ची पड़ा रहता है, ये बिल्कुल वही टोटका वाला है, ठीक है। तो दुकान उकान के सामने ऐसा लटका होता रखते हैं भाई, है ना। अब जो मानते होंगे उनके लिए अच्छी बात है, नहीं मानते उनके लिए, उनके लिए भी अच्छी बात। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अभी अभी आपने एक बहुत बड़ा विस्तार में पूरे चार्ट को देखा है, और वैसा ही एक क्वेश्चन भी है ये भी, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया है, ऋग्वेद से रिलेटेड है, तो ऋग्वेद में मैंने दो ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताए थे, ऐतरेय और कौशिकी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऐतरेय, ऐतरेय। चलिए, इसके साथ साथ यही बता दीजिए, गोपद ब्राह्मण किसमें रहेगा, गोपद ब्राह्मण, तो गोपद ब्राह्मण आपको मिलेगा किसमें बताइए, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे भाई, है ना, कि गोपद ब्राह्मण किसमें, तो गोपद ब्राह्मण आपको मिलेगा अथर्ववेद में, अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। इसके अलावा सतपथ, सतपथ और तैतरीय किसमें मिलेगा, तो सतपथ और तैतरीय, सतपथ और तैतरीय आपको देखने मिलेगा यजुर्वेद में, यजुर्वेद में, क्लियर है। सतपथ और तैतरीय गोपद अथर्ववेद में, सतपथ और तैतरीय यजुर्वेद में, ठीक, ये भी आपको यजुर्वेद में, क्लियर है। चलिए, अगला हम देखते हैं प्रश्न, वह है निम्नलिखित में से कौन से साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई, मोक्ष, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष, मोक्ष का पहले अर्थ समझ जाइए। मोक्ष सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है, या ये जो माया मोह का जो जीवन है, इसे जीवन से बाहर निकलना है, या आपका जो बार बार पुनर्जन्म होता है, आत्मा की पुनर्जन्म, उस आत्मा को मुक्ति दिलाना, वही क्या है मोक्ष है। यानी जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, वही क्या है मोक्ष है। इस मोक्ष की चर्चा हमें किस साहित्य में देखने को मिलती है, क्या ऋग्वेद में देखने मिलती है, परिवर्तित संहिताओं में देखने मिलती है, या ब्राह्मण ग्रंथ में आपको देखने मिला, या उपनिषद में देखने को मिला, ठीक। तो यहां पर आपका जवाब होगा उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद में आपको आध्यात्मिक चीजें देखने मिलेंगी, साथ ही साथ मोक्ष संबंधित भी चर्चाएं देखने को मिलेंगी, ठीक। उपनिषद की अगर मैं बात करूं, उपनिषद का अर्थ ही क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, गुरु के समीप बैठकर इस प्रकार से अगर आप ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, ये देखिए गुरु है यहां पर समीप बैठे हुए, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना ही क्या है, उपनिषद है, ठीक है, इसका अर्थ ही होता है उपनिषद। उपनिषद की अगर हम संख्या देखें कि उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद की संख्या हमें मिलती है 108, 108। ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, क्लियर, कि उपनिषद की संख्या कितनी है, ठीक। अगर उपनिषद में हम अगर देखें, तो एक उपनिषद है जिसे आपको सत्यमेव जयते, जो आप नेशनल एम्बलम में देखने को आपको मिलता है, इससे सत्यमेव जयते की भी जानकारी हमें मिलती है। क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सत्यमेव जयते आपको कहां से मिला है, ठीक, मैं आपका इंतजार करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका बताएंगे, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा
यहां पर एक दूसरा एक इमेज बना हुआ है, ठीक है, दूसरा एक इमेज बना हुआ है। इस इमेज के पीछे भी एक उपनिषद की जानकारी हमें मिली, ठीक। तो यहां पर मैं पहले इसका आंसर दे दूं, कमेंट सेक्शन में आपने जवाब दे दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जिनको नहीं पता वो यहां देखिए। सत्यमेव जयते जो है, एक उपनिषद से इसकी जानकारी मिली थी, वह है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो नेशनल एम्ब्लम में आपको देखने मिलता है वह लिया गया। इसके अलावा यहां पर जो चीजें आप देख रहे हैं इसमें यह है यम यानी यमराज, और यह है एक बालक जिसका नाम है नचिकेता। नचिकेता, ये यमराज है, ये नचिकेता है, ठीक। अब होता क्या है, ये जो नचिकेता जो बालक है, नचिकेता जो बालक है, उनके पिता जो होते हैं एक ब्राह्मण होते हैं, और इनके पिता जो है एक बार अपने घर के गायों को और कुछ पशुओं को ब्राह्मणों को दान कर रहे होते हैं, ठीक। तो नचिकेता जो बालक है अपने पिता से उसी समय जब वो दान कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि भाई बताइए पिताश्री कि आप ये गाय और अन्य पशु जो हैं उन्हें क्यों दान कर रहे हैं और ब्राह्मणों को दान देने से क्या होगा, ऐसे कुछ प्रश्न उसने अपने पिता से कर लिए। और इसी प्रश्न से नचिकेता के जो पिता हैं वो नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद उन्होंने नचिकेता को यम को देने की बात कह दी। और उस समय ऐसा था कि यज्ञ हवन यानी यज्ञ कुंड वहां बना हुआ था, हवन कुंड में अग्नि थी और उसी अग्नि के सामने उन्होंने ये बात कही, यानी नचिकेता को जो यमराज को दान देने की बात कही उस बात को इस बालक ने स्वीकार कर लिया, और यह बालक यमराज के पास जाने को तैयार हो गया। अब यमराज के पास जाए कैसे, डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो ये चले गए जहां पर कभी स्थान गया जहां पर लाशों को जलाया जाता था, उस जगह पर चले गए और वहां जाकर करीबन 3 दिन 3 रात तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद यमराज देखे कि भाई ये बालक यहां पर क्यों बैठा हुआ, तो यमराज खुद आए, और यमराज के आने के बाद नचिकेता और यमराज के बीच में संवाद की शुरुआत हुई, ठीक। इस संवाद में यही था कि मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का पुनर्जन्म क्या है, यही सब प्रश्न होने लगे नचिकेता और यमराज के बीच। और इन्हीं के बीच का जो डिस्कशन या संवाद हुआ यम और नचिकेता का, यम व नचिकेता, यम व नचिकेता का जो संवाद है वही हमें देखने को मिलता है एक उपनिषद में, उसे हम कहते हैं कठोपनिषद, उसे ही हम कहते हैं क्या, कठोपनिषद। कठोपनिषद एग्जाम में पूछा गया कठोपनिषद, जिसमें हमें यम व नचिकेता की जानकारी मिलती है, उसके संवाद की जानकारी हमें मिलती है, ठीक। तो दो इंपॉर्टेंट उपनिषद है, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपको ये दिख रहा है कि इमेज इसमें लिखा हुआ है क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक। वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्था की आपको जानकारी मिलेगी, 4 आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम व्यवस्था यानी आपके संपूर्ण जीवन को, आपके संपूर्ण जीवन को 4 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। शुरुआती 0 से 25 साल तक का समय, उसके बाद 25 से 50 साल तक का समय व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो यहां पर जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को बांटा गया है 0 से 25 वर्ष तक। ब्रह्मचर्य के बाद आपको मिलेगा गृहस्थ, गृहस्थ है 25 से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जीवन यह है आपका 50 से 75, और लास्ट है आपका सन्यास, सन्यास, क्लियर है, सन्यास होगा 75 से 100। यानी हमारा जो जीवन है 100 वर्ष का जीवन है उसे 4 खंडों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य यानी शुरुआती जो जीवन है, आप जो अभी छात्र जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं विवाह के पूर्व, वही जीवन क्या है आपका, ब्रह्मचर्य का जीवन है,
उसके बाद वाला गृहस्थ जीवन है, आप घर बार परिवार में क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, आपका विवाह हो जाता है, और 25 से 50 वर्ष तक आपको गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बात की थी जिसमें गृहस्थ आश्रम में। इसके अलावा गृहस्थ आश्रम में जब आप पूरा समय आपका व्यतीत हो जाएगा, उसके बाद गृहस्थ के बाद आपको देखने मिलेगा क्या, वानप्रस्थ, यानी आप वन की ओर गमन कर जाएंगे, और वन में जाने के बाद आप क्या ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास लेने का टाइम 75 से 100 तक का कहा। अब इसी जो चार आश्रम की बात है, एक उपनिषद में इन्हीं चार आश्रमों का वर्णन भी देखने मिलता है, और वो था उपनिषद जम्बालो उपनिषद। जम्बालो उपनिषद, क्लियर है? तो ये अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूं, उपनिषद की चर्चाएं हो रही है। उपनिषद की संख्या टोटल मैंने 108 बताई, उपनिषद का अर्थ बताया गुरु के समीप बैठना, जिसमें अभी एक तीन उपनिषद हमने देखे, जम्बालो उपनिषद, कठोपनिषद देख लिया, इसके अलावा मुंडकोपनिषद भी हमने देख लिया। चलिए ये देखिए क्वेश्चन पर, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम के संवाद को किस उपनिषद में लिखा गया, ठीक? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, कठोपनिषद, यही मैंने आपको बताया कठोपनिषद, ठीक है? कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद आपको देखने को मिलता है, ठीक? अगला प्रश्न है, वैदिक काल में, है ना, वैदिक काल में ये जो अस्कनी नदी है, अस्कनी नदी की पहचान किस रूप में की जाती है, ठीक? जैसे मैंने बताया कि था कि आर्य जो हमारे भारत में आए, भारत में आए तो कौन से क्षेत्र में आए, सप्त सैंधव प्रदेश में, सात नदियों वाला क्षेत्र था, सात नदियों वाला क्षेत्र था, उस सात नदी वाले क्षेत्र में आए, तो उस समय जो सात नदियां थी उनके नाम वर्तमान नाम से अलग है। क्या बोला मैंने, वर्तमान नाम से अलग है। पहले जो उनके नाम अलग थे उसी नाम को उसने पूछा है कि वर्तमान नाम क्या है, जैसे अस्कनी है तो अस्कनी कौन सा है, ठीक? तो इसका जवाब जानने से पहले मैं जो उस समय की वैदिक कालीन नदियां थी उनके नाम आपको बता दूं, और वर्तमान में क्या कहा जाता है उन नदियों को उसे हम लोग जान लेते हैं, ठीक? चलिए तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग वैदिक कालीन नदियों के नाम, वैदिक कालीन नदियों के नाम, और साथ ही साथ उन्हीं के वर्तमान प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाने जाते हैं ये भी देखें, ठीक? तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं रावी, जिसको अभी अभी आपने पढ़ लिया है ना, रावी। अच्छा, इस साइड हम लोग लिख लेते हैं वैदिक नाम। तो वैदिक नाम उसका था परुष्णी, परुष्णी, ठीक है? और वर्तमान में उसे ही कहा जाता है रावी, क्लियर है? रावी। तो परुष्णी जो है वैदिक कालीन नाम है, और रावी जो है वर्तमान नाम, ठीक? दूसरा है सतुद्री, दूसरी नदी का नाम है सतुद्री, जिसे हम वर्तमान में सतलज के नाम से भी जानते हैं, सतलज, सतलज, सतलज या सतलुज के नाम से जानते हैं, सतुद्री को सतलज के नाम से जाने जाते हैं। अगली जो नदी है वह है अस्कनी, अस्कनी, जिसके बारे में अभी प्रश्न आप देखे, अस्कनी, अस्कनी जो है चिनाब को कहा जाता है, वर्तमान में जो चिनाब है वही क्या है, अस्कनी है, ठीक? देन अगला, जहां पर जिस नदी के किनारे एक भयंकर युद्ध हुआ था, आगे चलकर हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, तब हम जानेंगे उस युद्ध के बारे में, और उस नदी का नाम था विदस्ता, विदस्ता, जिसे प्रेजेंट टाइम में झेलम के नाम से जाना जाता है, झेलम के नाम से। इसके अलावा अगली एक और नदी विपाशा या विपाशा, जो व्यास के नाम से जानी जाती है, प्रेजेंट टाइम में व्यास के नाम से जानी जाती है। अगली हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर सिंधु, सिंधु को सिंधु ही कहा गया है, तो यहां पर सिंधु में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक? तो ये हो गई हमारी नदियां। एक नदी और लिख लेते हैं,
सरस्वती जिसे नदी तमा नदियों की देवी भी कहा गया या तो घग्गर भी कहा जाता था। घग्गर घग्गर यही है आपकी सरस्वती, सरस्वती नदी। सरस्वती, सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है ये नदियों की जो देवी थी या ये नदी जो है प्रेजेंट टाइम में नहीं, क्योंकि जो त्रिवेणी संगम है इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है उसमें सरस्वती को अदृश्य माना गया है, यानी वर्तमान में ये नदी नहीं है। तो ये सात नदियों का जो क्षेत्र है यही था सप्तसैंधव क्षेत्र। इसके अलावा एक नदी का नाम आप और याद रख लेना, कभी पूछ ले, सदा नीरा। सदा नीरा, ये सदा नीरा नदी जो थी ये है प्रेजेंट टाइम की गंडक। क्लियर ठीक। तो ये क्या है वैदिक कालीन नदियों के नाम और उनके प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाने जाते हैं, ये बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देख लेते हैं यहां पर आपके पास क्वेश्चन क्या था, अस्कनी किसे कहा जाता, तो आप आसानी से बता दीजिए भाई अस्कनी किसे कहा जाएगा, चिनाब। चिनाब क्लियर है ठीक, तो आपका आंसर होगा चिनाब। चलिए अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक, कहा जाता है कि भाई प्राचीन काल में, प्राचीन काल में वेदों में जब ऋग्वेद काल की हम बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी उन्हें भी शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था, शूद्रों को वैश्य को सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ठीक, इवन उस समय महिलाएं शिक्षक का भी कार्य किया करती थी, ये मैं ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बाद में आगे चलकर तो उनका अधिकार छीन लिया गया था, बट शुरुआती दौर में शिक्षा का भी कार्य और शिक्षिका का कार्य किया करती। उसी पर एक प्रश्न है आपका कि कौन सी महिला थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, वेद मंत्रों की रचना की। ठीक, ऑप्शन में देख लीजिए, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री, बताइए क्या होगा आंसर। क्लियर है, तो यहां पर आपने आंसर दे दिया होगा तो करेक्ट आंसर होगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, लोपामुद्रा जो थी उन्होंने शिक्षिका के रूप में वेद मंत्रों की रचना भी की थी और शिक्षा देने का कार्य भी किया था। चलिए अगला है, निस्स शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए हुआ करता था परंतु उसके बाद इसका अर्थ क्या निकला। ठीक है, निस्स का यानी कि उस समय ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में निस्क को आभूषण के रूप में जाना गया, ज्वेलरी के रूप में, बट बाद में यह निस्क किस रूप में जाना गया यह पूछा गया। तो निस्क जो है शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में आभूषण के रूप में जाना गया और बाद में यह सिक्कों के रूप में जाना गया। सिक्कों के रूप में, निस्क से, निस्क का अर्थ सिक्के भी निकाला जाता है और आभूषण भी निकाले जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं के युद्ध की चर्चा कर दीजिए। भाई मैंने आपको बताया कि आपको जो पूछा जाएगा, आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपको नदियों का जो है वैदिक कालीन नाम देगा। मैंने बताया था रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, 10वें मंडल में जानकारी मिली थी, 7वें मंडल में जानकारी मिली थी, और जो युद्ध हुआ था वो हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के तट पर, और परुष्णी को ही हम क्या कहते हैं, रावी कहते हैं। क्लियर ठीक। चलिए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, इसके बारे में भी मैंने बताया आपको कि सत्यमेव जयते जो है मुंडकोप निषद से लिया गया, मुंडकोप निषद से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, मुंडकोप निषद से लिया गया। अगला है सत्यकाम जाबाला की कथा जिसमें अनव्याही मां के होने के लांछन की चुनौती दी गई, यह आपको कौन से उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत इजी है, कठोपनिषद के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, एक कठोपनिषद के बारे में कि इसमें यम नचिकेता का संवाद है, यम व नचिकेता, यम व नचिकेता का संवाद है।
इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद आप जब देखते हैं छांदोग्य, तो इस छांदोग्य उपनिषद में आपको पुनर्जन्म की चर्चा मिल जाएगी। पुनर्जन्म रीबर्थ के बारे में बताया गया छांदोग्य में। ठीक, ये जम्बालो उपनिषद जो है इसी में सत्यकाम जाबाला की कथा आपको मिलती है, जिसमें अनव्याही मां का लांछन इन पर लगता है। तो आंसर होगा जबाला उपनिषद। क्लियर है, जबाल उपनिषद या जम्बालो उपनिषद भी इसे ही कहा। डन, ठीक, चलिए। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? अघन्या, ठीक, अघन्या, अघन्या यानी कि उस पशु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं फिर से पीछे ले आ रहा हूं कहानी को। उस पशु के बारे में बात हो रही है जिसे लेकर आर्य अपने साथ आए। ठीक, क्योंकि इसी पर एक प्रश्न भी आपका एक और बनेगा। अभी पहले इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अघन्या यानी कि जिसकी हत्या ये नहीं करेंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था आर्यों के लिए वह थी गाय। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में उस समय थी, और गायों की उस समय पूजा भी की जाती थी। ठीक, तो आपको उस एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भाई आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय ऑक्यूपेशन, शुरुआती ऑक्यूपेशन क्या था, तब आप बताएंगे। क्योंकि आर्य शुरुआती में जब आए थे तो वो स्थायी या परमानेंट सेटल नहीं हुए थे, और परमानेंट सेटल नहीं हुए थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह विचरते थे, और उनके मुख्य आय का जो इनकम का जो सोर्स हुआ करता था वह इनकम का सोर्स था क्या? गाय। गाय का ही दूध का उपयोग करना, गाय के गोबर से घर में लिपाई पुताई करना, यही सब चीजें गाय से होती थी। ठीक, तो गाय उस समय सबसे इंपॉर्टेंट था, इसी कारण से प्रमुख व्यवसाय के रूप में हमें देखने मिलेगा पशुपालन। पशुपालन और प्रमुख व्यवसाय के अलावा सेकेंडरी द्वितीयक व्यवसाय जब पूछेगा तब आप बताएंगे कि भाई कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनके द्वितीयक व्यवसाय था। ये ऋग्वैदिक काल, इनके ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं कि गाय उस समय क्या था, इंपॉर्टेंट होने के कारण, तो गाय के आधार पर इनका जीवन चलता था, यानी पशु के आधारित जीवन था, एनिमल हस्बेंड्री ये लोग किया करते। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे, कृषि को प्रमुख अगर कर देंगे, तो आप पहुंच जाएंगे कहां पर? हड़प्पा। हड़प्पा में भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो आप बताएंगे कृषि, और वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में पूछेगा तो आप बताएंगे पशुपालन, क्योंकि वो लोग जो लेकर आए थे गाय लेकर आए थे। क्लियर है? ठीक, आर्यों के आगमन से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, यहां पर देख लीजिए कौन सा गलत है सही है। शुरुआत में ही मैंने आपको इसको डिस्कस किया कि आर्य जो हमारे भारत में आए तो उनके आने से संबंध अलग अलग इतिहासकारों ने तथ्य दिए, उसी पर आधारित एक प्रश्न भी है। मध्य एशिया सिद्धांत, यूरोपीय सिद्धांत, आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत, यहां देख पूछा गया है सही विकल्प कौन सा है, यानी आपके एक ही कोई सही विकल्प है बाकी आपके गलत है। तो मध्य एशिया सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल एशिया वाली जो बात है, यह तो मैक्स मुलर ने कही थी, तो ये वाला आपका आंसर गलत है। सर विलियम जोन्स ने कहा था यूरोपीय सिद्धांत के बारे में, तो ये यूरोपीय सिद्धांत आपका यहां पर लिखा हुआ, ये भी गलत है। आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली बात आर्यों की बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, ये बात आपकी करेक्ट है भाई। और भारतीय सिद्धांत दयानंद सरस्वती ने दिया, ये गलत। क्लियर, ठीक, तो आपका आर्कटिक ज्वाइन थ्योरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया, ये करेक्ट है। ठीक, चलिए, अगला है ऋग्वेद से संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है इस पर विचार करें। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 2 से 9 मंडल, 2 से 7 यहां तक कर लेंगे, 2 से 7 तक, 2 से 7 कर लेंगे, और यहां पर भी 2 से 2 to 7। ठीक, इसे ऐसे ही पढ़िए, ऋग्वेद में 10 मंडल है, मंडल 2 से 7 तक नवीनतम मंडल है, अष्टम महासद्गम ऋग्वेद से लिया गया है, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। बताइए कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा गया, तो आप देखिए। ठीक, तो यहां पर देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल तो है, ऋग्वेद में 10 मंडल तो है, परंतु मंडल 2 से 7 जो है
नवीनतम नहीं है, प्राचीन है, पुराने हैं। नवीनतम मंडल क्या है आपके? 1 और 10, ये नवीनतम मंडल है, ठीक है। 1 और 10 ये नवीनतम मंडल है, ठीक। इसके अलावा अस्तु मा शब्द में कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ये करेक्ट है। कृति मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक। मतलब असत्य कथन कौन सा है? केवल एक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन के संबंध में सत्य कथन है, न्याय व्यवस्था को देखने के लिए अधिकारी का उल्लेख मिलता है, लोग मुखिया को स्वैच्छिक भेंट देते थे जिसे बलि कहा जाता था, 10 राजाओं का युद्ध पर्वतीय नदी के किनारे हुआ जिसमें राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, ठीक। तो आपको इसमें सबसे पहले लाइन पढ़ लेना है कि क्या पूछा है, सत्य कथन के बारे में विचार करने को कहा गया है, ठीक। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है, एक बार देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ध्यान से पढ़िए इसे। तो यहां पर ऋग्वैदिक आर्यों की बात किया है, ऋग्वैदिक काल में कोई भी राजनेता नेता नहीं था या कोई राजा की जानकारी नहीं थी, तो न्याय व्यवस्था देखने के लिए कोई अधिकारी का उल्लेख नहीं है, ये बात करेक्ट है, ठीक। इसके अलावा लोग मुखिया को स्वैच्छिक भेंट देते थे जिसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में कहा जाता था, और कर क्या होता था? बलि होता था, बलि, ये भी करेक्ट है। इसके अलावा 10 राजाओं का युद्ध जो है पर्वतीय नदी के किनारे हुआ, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट, सभी करेक्ट है। यहां इंग्लिश वाले में देख लीजिए, इंग्लिश वाले में यहां पर प्रिंट, ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, करेक्ट, क्लियर है। चलिए अगला है ऋग्वैदिक समाज व धर्म कथन पर विचार कीजिए। वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा का चलन नहीं था, इंद्र से संबंधित 250 मंत्र है और सोमदेवता से संबंधित 200 मंत्र आपको देखने मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है, संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य नहीं है, पूछ रहा है। असत्य नहीं है का मतलब सत्य है, पूछ कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना। असत्य नहीं है, कभी भी आपको ऐसा लाइन मिलता है असत्य नहीं है मतलब आपको क्या पूछना चाह रहा है, वो कौन सा सत्य है ये बताना। तो चलिए देखिए, वैदिक काल में मंदिर मूर्ति पूजा का चलन नहीं था, ठीक। तो वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में ऋग्वैदिक काल में जो पूजा होती थी वह होती थी प्रकृति पूजा, प्रकृति पूजा, प्रकृति यानी नेचर वर्शिप, यानी कि जैसे इंद्र की पूजा कर लिए, धरती माता की पूजा कर लिए, अग्नि की पूजा कर लिए, वायु को देवता के रूप में पूजा कर लिए, किसी वृक्ष की पूजा कर लिए, इस प्रकार से पूजा होती थी, नेचर वर्शिप हुआ करता था। तो नेचर वर्शिप की अगर बात कर रहे हैं और उन सब चीजों को देख रहे हैं तो ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा तो होती थी, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं, आपकी नेचर वर्शिप होती थी, और उत्तर वैदिक काल में आते आते मूर्ति पूजा तक की शुरुआत हो गई। तो यहां पर अगर यह बोल रहा है वैदिक काल की, पूरे वैदिक काल की बात कर रहा है, ठीक है, तो इस वैदिक काल में ऋग्वैदिक समाज को स्पेशली पूछा है, तो इस समय मंदिर और मूर्ति पूजा का चलन नहीं था, ये बात करेक्ट है ऋग्वैदिक काल की अगर बात कर रहा है तो, ठीक। उत्तर वैदिक काल में चालू हुआ था, बट ऋग्वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा की शुरुआत नहीं थी। इंद्र संबंधित 250 मंत्र हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में, परंतु सोमदेवता से संबंधित 200 नहीं, यहां पर आएगा अग्नि, अग्नि देवता को समर्पित हमें 200 मंत्र देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका? गलत। इंद्र से संबंधित हमें 250 मंत्र, यानी सबसे ज्यादा जिनका नाम देखने को मिला वो इंद्र देवता और अग्नि देवता के 200 बार नाम। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार या पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ठीक, हड़प्पा सभ्यता में जो हमें देखने को मिला, उस सभ्यता में हमने देखा कि वहां पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद से जब भी आप अगर पढ़ रहे हैं आगे जितना भी देखेंगे व्यवस्था, उसमें आपको पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ही देखने मिलेगी। और इसके अलावा संयुक्त परिवार की जो बात कही गई ये भी करेक्ट है, मतलब आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। यहां पर हम जैसे कि पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, तो असत्य नहीं है कौन कौन सा? फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा। यहां पर इंग्लिश वाले को यहां पर ये कर लिए, ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट,
ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। ठीक, इसमें यहां पर ये चीज करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। सबसे पहले कभी भी आप पढ़ें तो ऊपर देख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल बोल रहा है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समाज में थोड़ा अंतर हमें देखने को मिला है। ठीक, उसी अंतर के आधार पर ये प्रश्न आपको देखने मिला। ठीक, चलिए। सामाजिक भेदभाव और चार वर्णों का विभाजन जातिगत आधारित हो गया, उपासना विधि बलि पर केंद्रित हो गई, इंद्र अग्नि आदि देवताओं को पूजा में बढ़ावा मिला, अश्वमेध राज वाजपेय राजसूय यज्ञ होने लगे। तो असत्य कथन की बात पर यहां पर पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है बताइए। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, सभी ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आएंगे, सभी ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आएंगे, बट आप थोड़ा अगर इसके समाज की व्यवस्था को अगर समझे तो आपको चीजें क्लियर होगी। तो जैसे ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, दसवें मंडल में जो आपको मिला था वह था कर्म आधारित, कर्म आधारित। और उत्तर वैदिक काल में आते आते, उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक काल में आते आते ये चार वर्ण व्यवस्था जो है जाति आधारित हो गई, जाति आधारित हो गई। ठीक है, उसी बात को पहले लाइन में लिखा हुआ है कि सामाजिक भेदभाव और चार वर्ण का विभाजन जाति आधारित हो गया। ऑप्शन आर करेक्ट, सही बोला। ठीक, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव और चार वर्णों में विभाजन जाति आधारित हो गया। इसके अलावा उपासना विधि बलि पर केंद्रित थी। अगर ऋग्वैदिक काल में हम जाएंगे तो शुरुआती ऋग्वैदिक काल में आप प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे और कर्म के फल की कोई वहां पर चिंता नहीं थी, कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। और उत्तर वैदिक काल के आते आते ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मणों का जब वर्चस्व बढ़ा और कर्म के बाद उसके फल की प्राप्ति के लिए लोग जब थोड़ा ललायित हुए और लालच जब बढ़ा तो वहां से पशुओं की बलि निरंतर दी गई। यानी ऋग्वैदिक काल में जब आपको ये सब बलि सब चीजें नहीं देखने मिली, वही उत्तर वैदिक काल में आपको बलि पर थोड़ा ज्यादा लोगों का केंद्रीकरण देखने को मिला। लोग हर जगह कोई भी पूजा प्रतिष्ठान आज भी मंदिरों में आप देखते हैं कि बलि प्रथा देखने को मिलती है, तो बलि जो है बलि उपासना केंद्रित हो गई। तो ये बात भी कहीं ना कहीं करेक्ट है, सही है। ठीक, इंद्र अग्नि आदि देवताओं की पूजा को बढ़ावा मिला, बढ़ावा मिला। ये लाइन को ध्यान से देख बताइए, इंद्र देवता प्रकृति के देवता हो गए, प्रकृति नेचर, अग्नि वायु धरती ये सब क्या है, प्रकृति है। तो क्या उत्तर वैदिक काल में इनको बढ़ावा मिला, क्या बढ़ावा मिला, ध्यान से विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में मैं बार बार आपको चीजें बता रहा हूं, ऋग्वैदिक काल में इन चीजों को बढ़ावा मिला था, बट उत्तर वैदिक काल में धीरे 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 नेचर वर्शिप कम होने लगा, कम होने लगा, मूर्ति पूजा धीरे धीरे बढ़ेगी। इसी कारण से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, उत्तर वैदिक काल के अकॉर्डिंग। और लास्ट है आपके पास अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ वाजपेय यज्ञ होने लगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। बताओ आपका ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, डन। ठीक, अब यहां पर देखिए जो आपको लास्ट में देखने मिल रहा है अश्वमेध वाजपेय और राजसूय यज्ञ। ठीक, तीनों यज्ञों के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको थोड़ी एक जानकारी हो जाए। ठीक, पहला जो यज्ञ है, ठीक, जैसे मैंने बताया कि राजा को, राजा भी अब क्या है फल की प्राप्ति के लिए पूजा यज्ञ करवाने लगा, है ना, ये उत्तर वैदिक काल की बात है ना, जब राजा भी आ गया। ऋग्वैदिक काल में कोई राजा नहीं होता था, उत्तर वैदिक काल में राजा हो गया। अब राजा क्या है, राज्य का साम्राज्य विस्तार करना है, राजा को क्या करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, तो वह यज्ञ करवाया करता। और यज्ञ जो होता था उसमें एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में ये यज्ञ करवाने का मेन उद्देश्य होता था साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता। ठीक, अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें एक घोड़े की आंख पर पट्टी बांधी जाती थी और उसे सैनिकों के साथ छोड़ दिया जाता, यह घोड़ा जहां तक जाता था, जहां तक जाता था
तो वो जो साम्राज्य है उसका विस्तार वैसा होते जाता था। और किसी राजा ने अगर इसके घोड़े को पकड़ लिया, घोड़े को अगर पकड़ लिया तो यहां पर जिस राजा का घोड़ा है उससे इसे युद्ध लड़ना होता था। ठीक, तो यही जो तरीका था, ये जो यज्ञ था साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। घोड़े को छोड़ा जाता था और घोड़े को अगर कोई राजा पकड़ लिया और कोई राजा अगर नहीं भी पकड़ा, नहीं पकड़ा तो राजा की अधीनता स्वीकार कर रहा और जो पकड़ लिया वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, यानी चुनौती दे रहा। ठीक, और उसी कारण से युद्ध होता था, जिसे आपने रामायण में देखा ही है। लवकुश के समय में भगवान राम पहुंचते हैं उस समय और लवकुश और उनके पुत्रों में ही एक युद्ध जैसा हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय भी क्या हुआ था, अश्वमेध यज्ञ हुआ। ठीक, अगला है हमारे पास राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, ठीक, बाहुबली तो आपने देखा ही होगा। बाहुबली में पहले ही जब बाहुबली यहां पर अपने राज्य के लिए है ना सुरक्षा की प्रतिज्ञा लेता है, या उसका जब राज्य अभिषेक हो रहा होता है तो उस राज्य अभिषेक के समय जो यज्ञ करवाया जाता है वही होता है राजसूय यज्ञ। तो राज अभिषेक के समय, कोरोनेशन सेरेमनी के समय, राज्य अभिषेक के समय होने वाला यज्ञ राजसूय यज्ञ होता है। ठीक, और तीसरा एक यज्ञ हमने देखा था वाजपेय, वाजपेय यज्ञ। वाजपेय की अगर मैं बात करूं तो वाजपेय जो है आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हम 26 जनवरी को हम देखते हैं गणतंत्र दिवस में एक अच्छी खासी परेड निकाली जाती है राजपथ पर। आप देखिए दिल्ली में हमेशा बचपन से आप कभी टीवी ऑन करते हैं तो एक पूरा यहाँ पर झांकी निकाली जाती। झांकी में आप क्या क्या देखते हैं, कुछ नृत्य हो रहे हैं, कुछ बच्चे आए हैं, इसके अलावा सैनिक आते हैं और सैनिक जिसमें आते हैं वो होते हैं उनकी गाड़ियां, जैसे तोप में कुछ, हम अगर हमारी मिसाइलें तैयार हुई तो मिसाइल, वायुसेना अपनी अपनी सेना का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आप झांकी में जिन चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं उससे मायने क्या निकल रहे हैं, तो उसके मायने ये निकल रहे हैं कि भाई हम अपने देश का भारत का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही शक्ति प्रदर्शन करने का जो तरीका होता था वह होता था वाजपेय यज्ञ। इस समय राजा जो है अपने पावर को शो करता था, शक्ति को प्रदर्शित करता था। तो यहां पर क्या होता था, शक्ति प्रदर्शन होता था, शक्ति प्रदर्शन। क्लियर है? ठीक, चल अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बता दीजिए। ठीक, ये जम्बालोपनिषद है, पहला जम्बालोपनिषद चार आश्रमों का वर्णन करेक्ट है। मांडुक्य उपनिषद सत्यमय जयते करेक्ट है। छांदोक्य में सभा व समिति का उल्लेख है, गलत है। इसके अलावा कठोपनिषद यम व नचिकेता का संवाद सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, इन करेक्ट है। छांदोग्य उपनिषद में आपको पुनर्जन्म की चर्चा है, सभा समिति की चर्चा नहीं की गई। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं। ठीक, पहला है शतपथ ब्राह्मण, श्वेता स्वर उपनिषद, विनय पिटक और भगवती सूत्र। ठीक, तो वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है और एक है श्वेताश्वर उपनिषद, ये दोनों आपके वैदिक साहित्य हैं और ये दोनों जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ के साहित्य हैं। ठीक, तो आपका शतपथ ब्राह्मण एक और दो करेक्ट होगा। ठीक, एक और दो, शतपथ ब्राह्मण और श्वेताश्वर उपनिषद, यहां पर ये इसे करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसे एक और दो बना लीजिए, एक और दो, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा, एक और दो, वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक, शतपथ ब्राह्मण के बारे में तो मैंने बता दिया, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, ये श्वेताश्वर उपनिषद में सफेद घोड़े की चर्चा की गई है, एक सफेद घोड़े की चर्चा की गई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार सीजीपीएससी में आ चुका है,
सीजीपीसी में श्वेताश्वर उपनिषद के बारे में पूछा गया था। तो श्वेताश्वर उपनिषद जो है एक सफेद घोड़े की चर्चा इसमें की गई है। क्लियर है? अगला और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आर्य केशववादी थे, आर्यों के जीवन में सदाचार की बड़ी महत्ता थी, आर्य प्रकृति पूजक थे, आर्य गारे को अगन्या मानते थे। कौन सा गलत है इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी आप जान लीजिए वैदिक साहित्यों के बारे में, इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, जो वैदिक साहित्य के लिए या आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी हमने जो जाना है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लिया, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैंने आपको एक लिस्ट में पूरी चीजें बता दी है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ को मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया भाई कि उपनिषद क्या होते हैं और उपनिषद की संख्या क्या होती है। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी। इसके अलावा एक जो होता है पुराण भी होता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। पुराण, पुराण की अगर मैं बात करूं तो इस 108 में जीरो हटा दीजिए तो बनेगा क्या, 18। अब पुराणों की संख्या क्या होती है, 18। ठीक है, पुराण, पुराण का अर्थ होता है पुराना, उसी से बना पुराण। इन पुराणों में 18 पुराण को तो आपको नहीं जानना है, 3 पुराण बता रहा हूं उसको आप समझ लीजिए और वही एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, 3 पुराण कौन कौन से होंगे, एक है आपका मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, इसे हम सबसे प्राचीनतम पुराण कहते हैं, सबसे प्राचीनतम पुराण कहते हैं। क्लियर है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण के रूप में जाना जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया। अगला जो है वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण जो है इसमें हमें गुप्त शासकों के बारे में, गुप्त शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, गुप्त डायनेस्टी के बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी। और लास्ट जो है आपके पास वायु के अलावा विष्णु पुराण, वायु के अलावा हमारे पास है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में हमें जानकारी मिलेगी मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, पुराण, पुराणों की संख्या 18, और उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी हो गई, 108। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट मैं बता दूं, उससे भी आप याद रखिएगा, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हमारा प्रयास है इससे टॉप एमसीक्यू सीरीज में, जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि भाई आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे, मैक्सिमम पॉइंट को क्वेश्चन साथ में कवर किया गया और कुछ पॉइंट जो बच गए उसे यहां पर बताया जाए। ठीक है, अगला जो है वेदांग, अगला जो है वेदांग, वेदांग की अगर मैं बात करूं तो वेदांग को तोड़कर हम अगर पढ़ें तो वेदों के अंग जिसे हम क्या कह रहे हैं, वेदांग कह रहे हैं, और वेदांग की संख्या क्या है हमारे पास, 6 है। वेदांग की संख्या क्या है, 6। इस वेदांग में अगर बात करें सबसे पहला जो है हमारे पास है उसे हम कहते हैं व्याकरण, व्याकरण पहला वेदांग है, व्याकरण वेदों का अंग। दूसरा है ज्योतिष, ज्योतिष व्याकरण के अलावा दूसरा है ज्योतिष। तीसरा है हमारे पास निरुक्त, निरुक्त। क्लियर? चौथा है शिल्प, चौथा है शिक्षा, शिक्षा। पांचवा है कल्प, कल्प, और छठवा है छंद। ठीक है, तो वेदांग की संख्या 6, और वेदांग में कभी आपको पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है या है तो आपको याद होना चाहिए, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, व्याजो निसी कच्छ करके याद कर लीजिए, व्याजो निसी कच्छ, इस वर्ड को याद रखिए एक लाइन में, व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प और छ से छंद, एक लाइन में चीजें याद हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने वैदिक साहित्य में आने वाले जितने भी साहित्य थे, जैसे कि आपके वेद थे, 4 वेदों के बारे में जानकारी, उपवेदों के बारे में जानकारी, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानकारी ली हमने,
और साथ ही साथ उपनिषद और पुराण और वेदांग को भी जाना। ठीक, यहां से ही आपके वैदिक कालीन प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक, अब ये वैदिक कालीन समाज के बाद या वेद जो हमने पढ़े इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा बौद्ध धर्म जैन धर्म संबंध। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। ठीक, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए उसके जवाब दीजिए, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसे अगले वीडियो में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।